हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं पिछले 21 सालों से क्लासेस 9, 10th के लिए साइंस और 11, 12th जेई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री ले रहा हूँ। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर अमीन्स का अगला टॉपिक। इससे पहले के टॉपिक तो हम पूरे आपके लिए अपलोड कर चुके हैं चैनल के अंदर, पर आज हम करने वाले हैं अमीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो हम इसके बाद करेंगे, और इससे पहले के लेक्चर में हमने प्रेपरेशंस पढ़ी थी अमीन्स की। तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है वो है स्टेट एंड स्मेल। जो कम कार्बन वाले होते हैं, लोअर का मतलब होता है लेस कार्बन वाले, वो तो गैस होते हैं, लेकिन जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती रहती है ये लिक्विड बन जाते हैं। और एरोमेटिक जो होते हैं वो लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट्स में पाए जाते हैं। जैसे मिथाइलमाइन और इथाइलमाइन की स्मेल जो है वो फिश जैसी होती है, लेकिन जो ज़्यादा कार्बन वाले हैं उनकी अमोनिकल स्मेल होती है, जो हमने लैब के अंदर एक्सपीरियंस करी हुई है। कलर की बात करें तो ये कलरलेस होते हैं, लेकिन अगर आप एयर में रख दोगे तो ये कलर्ड हो जाते हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन। बॉइलिंग पॉइंट एक काफी अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसके अंदर। इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है हमारी एक्सपेक्टेशन से। किसकी वजह से? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। लेकिन इनका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होता है और एसिड से भी कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्कोहल में OH बॉन्ड होता है और अमीन्स में NH बॉन्ड होता है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से OH बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है एज कंपेयर टू NH बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो इस वजह से अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अल्कोहल से कम होता है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये अच्छी खासी बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। तो अगर हम ओवरऑल ट्रेंड की बात करें कि भाई बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम किसका है? अल्कोहल से कम हमारे पास किसका आ गया? अमीन्स का आ गया। तो ये बेसिक ट्रेंड जो है वो फॉलो होता है, और ये तीनों क्या शो करते हैं? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमीन्स से कम बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एल्डिहाइड का है, उनसे कम किसका आता है? कीटोन्स का। इनसे कम किसका आता है? ईथर्स का। ईथर्स से कम किसका आता है? एल्काइल हैलाइड्स का, और देन कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स का। अब ये सब तो क्या शो करते हैं? डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। एल्काइल हैलाइड भी शो करता है, लेकिन एक्सटेंट थोड़ा सा कम होता है इसके अंदर, और इसके अंदर वैन डर वाल फोर्सेस आ जाते हैं। अब अगर हम इंडिविजुअली कंपेयर करें कि भाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स के अंदर किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, तो प्राइमरी अमीन्स का। क्योंकि अगर आप प्राइमरी अमीन्स के स्ट्रक्चर को देखें तो वो RNH2 होता है, टर्शरी अमीन R3N होता है, और सेकेंडरी अमीन R2NH होता है। अब प्राइमरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है ना, तो ज्यादा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये पानी में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती रहती है अगर कार्बन चेन बढ़ती रहती है। बोथ एलिफैटिक और एरोमेटिक जो हमारे अमीन्स हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा अमीन्स के अंदर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इस वजह से इंटरमोलिकुलर HB अल्कोहल में ज़्यादा है, इस वजह से अल्कोहल ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं एज कंपेयर टू अमीन्स इन वाटर। तो वही सेम रीज़न बॉइलिंग पॉइंट वाला यहाँ पर भी सॉल्युबिलिटी में एप्लीकेबल होता है।
तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी रिलेटेड टू अमीन्स। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं जो अमीन्स की प्रिपरेशन से रिलेटेड है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करे हुए हैं। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, जो कहता है कि आपको केमिकल रिएक्शंस बतानी है इथेनॉलिक अमोनिया की C2H5Cl के साथ। तो जब C2H5Cl अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो हीट करने पर सबसे पहले कार्बन का एल्काइल ग्रुप इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये क्या बनाएगा C2H5NH3 पॉजिटिव साथ में Cl, तो ये हो गया इथाइल अमोनियम क्लोराइड। बाद में इसी में से HCl का लॉस होगा, यहां से गया Cl, यहां से गया H, तो ये आ जाता है C2H5NH2 प्राइमरी अमीन इथाइल अमीन। अगर हमारे पास एल्काइल हैलाइड ज्यादा है तो फिर दोबारा HCl का लॉस हो जाएगा और हमारे पास सेकेंडरी अमीन आ जाएगा। डाइइथाइल अमीन अगर आप फिर दोबारा रिएक्ट कराते हैं, अगेन HCl का लॉस हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा टर्शरी अमीन, जिसे हम क्या कहते हैं ट्राइइथाइल अमीन। एंड अगर आपने इसको फर्दर रिएक्ट करा दिया C2H5Cl के साथ, तो ये आ जाएगा C2H5 4 N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये आ जाएगा टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बी पार्ट, अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। ये आ गया हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड जिसको हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे, तो इनिशियली ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, Cl पे चार्ज नेगेटिव आता है, CH2 पे चार्ज पॉजिटिव आता है, और ये रिएक्ट करके क्या दे देता है CH NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जो फर्दर लॉस करता है HCl का, और क्या दे देता है बेंजाइल अमाइन। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेंजाइल अमाइन। इसको अब वो कह रहे हैं कि 2 moles ऑफ CH3Cl के साथ रिएक्ट करेंगे तो 2 HCl का लॉस हो जाएगा, एक Cl यहां से गया, एक H यहां से गया, दूसरा H भी यहां से गया, दूसरा Cl भी यहां से गया, और हमारे पास क्या आ जाएगा CH2 N CH3 होल ट्वाइस, और ये आ जाएगा N, डाइमिथाइल बेंजाइलमाइन। राइट, तो ये हमारी रिएक्शन जो है वो बनती है बी पार्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग कन्वर्शन। तो ए पार्ट के अंदर हमारे पास
इथाइल क्लोराइड को हमने कार्बन चेन बढ़ानी है। तो अगर आप इथाइल क्लोराइड की कार्बन चेन इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप उसको रिएक्ट कीजिए एक्वस केसीएन के साथ, जिसकी वजह से केसीएल का लॉस हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। इस प्रोपेन नाइट्राइल का आप क्या कर दीजिए, कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन। तो नाइट्राइल ग्रुप के अंदर जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाता है दो बॉन्ड, और रिडक्शन से हमारे पास CH2 क्या आ जाता है, बॉन्ड NH2। बी पार्ट, हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड है और उसके अंदर दोबारा एक और कार्बन इंक्रीज करना है, तो यही सेम मेथड ऊपर वाला जो है वो फॉलो होगा। तो हम इसको भी बेंजाइल क्लोराइड को एक्वस केसीएन के साथ रिएक्ट कराएंगे, केसीएल का लॉस हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, टू फिनाइल इथेन नाइट्राइल। और जब हम इसका रिडक्शन कर देंगे तो कार्बन चेन जो है वो इंक्रीज कर गई एक कार्बन से। तो ये आ गया हमारे पास टू फिनाइल इथेनमाइन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द स्ट्रक्चर्स एंड द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले वो कहते हैं द अमाइड विच गिव्स प्रोपेनमाइन बाय हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो HBD के अंदर एक कार्बन कम हो जाता है तो हमको चार कार्बन वाला अमाइड लेना होगा, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, NH2। इसको आप NaOH प्लस Br2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एक कार्बन जो है वो कम हो जाता है, जिससे हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोपेन अमाइन, जो हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा। बाकी साथ में पानी, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम ब्रोमाइड आ जाता है, राइट। तो खैर उसके लिए हमें इतना ज़्यादा वो नहीं करना है, ठीक है। ऐसे ही कहता है अमीन जो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड से बनेगा। तो बेंजामाइड को देखते हैं, ये हो गया बेंजामाइड। इसका भी अगर आप हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करेंगे तो वो क्या दे देगा, एनिलीन दे देगा, साथ में वही सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट सॉरी सोडियम ब्रोमाइड, साथ में वाटर आ गया। तो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी के 1, 2, 3 जो अभी हमने करे हैं। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये भी कन्वर्जन में आ गया, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू एनिलीन और बेंजीन इनटू NN डाइमिथाइल एनिलीन एंड तीसरा पार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं बेंजीन को हमें एनिलीन में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, बेंजीन। बेंजीन का कर देंगे हम नाइट्रेशन, कॉन्क HNO3 साथ में कॉन्क H2SO4,
तो पानी का लॉस हो गए, हमारे पास क्या आ जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रोबेंजीन को हम Fe प्लस HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे, जो बेस्ट रिएजेंट माना जाता है रिड्यूसिंग इस रिएक्शन के लिए, जो हमें क्या दे देगा, एनिलीन दे देगा। सेकेंड पार्ट में वो कहते हैं कि बेंजीन को एन एन डाई मिथाइल एनिलीन में कन्वर्ट करना है। तो आप बेंजीन से एनिलीन पे आ जाइए, यहां तक वही सेम रिएक्शन हो गया, और आप इसको 2 मोल्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर दीजिए, ताकि 2 HCl का लॉस हो जाए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, N CH3 होल 12। तो ये हो गया N, N डाइमिथाइल एनिलीन। तीसरी कन्वर्शन क्या है, 1,4-डाइक्लोरोब्यूटेन इनटू हेक्सेन 1,6-डाइअमीन, मतलब दोनों साइड पर एक एक कार्बन इंक्रीज कर रहा है। तो CH2 हमारे पास 4 बार आ रहा है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको 2 मोल्स ऑफ एक्वस KCN के साथ रिएक्ट कराते हैं, ताकि 2 मोल्स ऑफ KCl बाहर हो जाए, और हमारे पास ये क्या आ जाए, N ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH2, 4 बार बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। और अब आप इसका क्या कर दीजिए, रिडक्शन। तो आपके पास ये आ जाएगा NH2 बॉन्ड CH2। अब ये कितनी बार हो गया, 6 बार बॉन्ड NH2। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू विल कन्वर्ट द फॉलोइंग, एंड दे आर अच्छी कन्वर्शंस। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन, ये 2 से 3 नंबर का आ जाता है। कहता है एक एरोमेटिक कंपाउंड है ए, जो ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया और हीट करने पर कंपाउंड बी देता है, जो हीट करने पर Br2 और KOH के साथ कंपाउंड सी बनाता है। तो हमारे पास एक कंपाउंड है जो एक्वस अमोनिया के साथ हीट करने पर, तो दिस इज द कंपाउंड ए, हीट करने पर कंपाउंड क्या देता है, बी, और बी जो है वो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन से हमें कंपाउंड क्या दे रहा है, सी, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H7N। अब वो कह रहे हैं कि ये एरोमेटिक है और इसके अंदर C6 आ रहे हैं, तो इसका मतलब है बेंजीन रिंग तो जरूर आएगी। अब अगर बेंजीन रिंग आ रही है, तो उसके अंदर 6 के 6 कार्बन एटम इस्तेमाल हो गए, जो बचते हैं वो आ गया NH2, तो ये क्या आ गया, एनिलीन। एनिलीन हमको हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन से मिल रहा है, इसका मतलब है ये वाला कंपाउंड जो है वो 1 कार्बन वाला ज्यादा होगा, वो अमाइड होगा, और वो हमारे पास कौन सा आ गया, बेंजामाइड। और बेंजामाइड को आप अमोनिया के साथ हीट करने पर ऑब्टेन कर रहे हैं, तो पानी का लॉस हुआ, तो ये हमारा कंपाउंड जो है वो क्या होगा, बेंजोइक एसिड। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, ये 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे पेपर्स में देखा गया है, बोर्ड्स में भी देखा गया है। तो क्लास आई होप आपको आज का हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया, जिसके अंदर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए अमीन्स के टॉपिक के साथ। तो अगर समझ में आया, अगर अच्छा लगा, तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी समझ सकें इसको। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशंस स्कूल ऑफ साइंस की तरफ से और मेरी तरफ से मिलते रहे। टिल देन, स्टडी हार्ड, टेक केयर।
बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।